रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है, लगातार में जो भी पेरेंट्स संस्थान में विजिट कर रहे हैं और जिन बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, उन बच्चों से मैं कंटिन्यू आपको मिलाता रहा हूँ। जैसा कि बहुत अच्छे का मतलब यहाँ ये हुआ कि सर 12वीं बोर्ड का रिजल्ट क्या रहा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट का आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा इस साल 2024 के हमारे बच्चे हैं वो 12वीं बोर्ड के लेके आए। हम केवल 12th क्लास नहीं पढ़ाते हैं, इसके साथ में जेड सीयूटी नीट जेई इनकी हम तैयारी करवाते हैं। फिर भी हमारे बच्चों ने 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 95% से ऊपर इंस्टीट्यूट की तरफ से 5 बच्चे रहे, 90% से ऊपर 81 बच्चे रहे, 85 से ऊपर 229 बच्चे रहे और 80% से ऊपर 367 बच्चे रहे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 10th क्लास में बहुत कम परसेंट थे और उन बच्चों ने इतने ज़बरदस्त मेहनत की और मुझे लगता है उन बच्चों ने जो मेहनत की है वो शायद सबसे ज़्यादा बेटर या मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या ये कहूँगा कि वो बच्चे जो एक बार किसी कारणवश रास्ता भटक गए थे या स्कूल के अंदर कोई भी ऐसी कमी रही जिसकी वजह से उन बच्चों के 10th क्लास में परसेंटेज नहीं बन पाए, बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 12th का रिजल्ट आने पर बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उन बच्चों से जिनको मुझे लगता है कि वास्तव में गजब किया है, उन बच्चों से मैं एक एक करके कंटिन्यू वीडियोज के माध्यम से पोस्ट के माध्यम से आपको आप तक उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये जानकारियाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कम परसेंटेज रह जाते हैं और कई बार वो निराश हो जाते हैं, घर वाले निराश हो जाते हैं। देखो, आपका लाडला है उसके लिए इस दुनिया में आपसे बेटर कोई नहीं है। अगर आप ही अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर दोगे तो इन फ्यूचर उसको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैं इन वीडियोज के माध्यम से आपको उन बच्चों से मिलवा रहा हूँ, पेरेंट्स से मिलवा रहा हूँ, जिस तरीके से कम नंबर आने के बाद में भी ये पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में खड़े रहे और आगे सोचा इन्होंने कि जो कुछ हो गया कोई बात नहीं, आगे हम बेटर क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ये चले और बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार आज बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है कि हम वीडियो बना के आपको दिखा पा रहे हैं, न्यूज़पेपर में बच्चों के नाम आ रहे हैं। तो आपका लाडला भी कर सकता, आप निराश नहीं हो। आज का हमारा जो बच्चा है वो है महेंद्र रेगर, ये प्रॉपर मंगलवार चौराहे से हैं, पिताजी का नाम है परशुराम जी रेगर। आप जो है लंबे टाइम से मंगलवाड़ में ही रह रहे हैं। कल हमारे पास और आए थे, संगेशरा गांव है आपके मंगलवाड़ के पास, सरपंच साहब है चंपालाल जी जाट, उनका बच्चा भी अमन जाट मेरे पास पढ़ा। उस बच्चे के भी 10th में कम परसेंट थे और 12th के अंदर वो बच्चा अराउंड 85% लेके आया। आज आपका बच्चा जो है मेरे पास 10th क्लास पढ़ के आया और 10th में इस बच्चे के 60% थे। पेरेंट्स ने रॉयल इंस्टीट्यूट में भेजने का डिसीजन लिया, 11th 12th में बच्चा यहीं पढ़ा और क्या इसकी जर्नी रही, किस तरीके से पेरेंट्स यहाँ पहुँचे, आगे की जो भी बातचीत है इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले आप सब पधारे यहाँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपके बच्चे के 60% थे, फिर आपके बच्चे को आपने यहाँ उदयपुर भेजा, तो कैसे आप यहाँ उदयपुर तक पहुँचे, थोड़ा सा आप हमारे पेरेंट्स को बताएं कि कौन सा ऐसा लिंक है जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे थे। जी सर, मुझे रॉयल इंस्टीट्यूट का इतना पता तो नहीं था, लेकिन मैं मंगलवाड़ में रहता हूँ, वहाँ एक जैसे कस्बा ही है जी, तो मंगलवाड़ का एक लड़का यहाँ पढ़ता था तो उसके पापा से मेरा अच्छा परिचय था। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, कि मैं वो 12वीं में अभी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पढ़ रहा है और एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सेट हो गया था कि अपने बच्चे को भी 10वीं के बाद वहीं शिफ्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से मैं यहाँ आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे आप क्या करते हैं सर? सर मैं रेवेन्यू विभाग में अभी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले आप पटवारी रहे? पहले पटवारी रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बच्चे का यहाँ एडमिशन कराया और हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया। बच्चे से जानना चाहेंगे, बेटा आप यहाँ 2 साल रहे, 10th क्लास में आपके 60% थे, तो आप यहाँ क्या सोच के 2 साल की आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्किंग की, मतलब 60% थे ये क्लियर है, तो 60% का बच्चा आपने केवल 12वीं बोर्ड में मुझे अच्छे नंबर लाना है इसलिए आपने पढ़ाई की, या फिर आपका कुछ और थीम था, मतलब
क्या प्लानिंग करके आप चले, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 60% का बच्चा क्या सोच सकता है एक बेटर। तो आपने 12th के पे ही फोकस किया या फिर कुछ और भी आपके टारगेट थे तो क्या थे? नहीं सर, जैसे 10th में तो मेरे 60% बने, लेकिन बाद में रॉयल में 11th क्लास में एडमिशन लेने के बाद, एक तो यहाँ पे जो टीचर्स फैकल्टी है प्लस वो पढ़ाने के जो तरीके है उसमें क्या है कि पढ़ने का ही वो प्रॉपर माहौल मिल जाता है बच्चे को, तो क्या है उससे मतलब अपने आप ही वो हो जाता है अंदर से कि कुछ बढ़िया करे 12th में या कॉम्पिटिशन में भी बढ़िया करे। बहुत बढ़िया। और 12th में भी जैसे कोचिंग की तरफ से भी बोर्ड पे भी वो रहती है और कॉम्पिटिशन पे भी रहती है, तो दोनों तरफ मतलब सही हो जाता है। नहीं, कई बार ये पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को तो 60% है, ये तो एक बार 12th निकाल ले तो ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर दोनों का लोड पड़ेगा तो शायद बच्चा हो सकता है 12th में फेल हो जाए। तो क्या 60% का बच्चा दोनों कोर्स या एडमिशन लेके कर पा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल कर सकता है। मैं मतलब मैं कर सकता हूँ तो बाकी तो कर ही सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या रिजल्ट रहा 12th का? सर मेरे 89.4%। बहुत बढ़िया, 60% से 89 लेके आया है। JET का एग्जाम जो है 2 जून का है, CUT का एग्जाम हो चुका है। CUT में आपका लगभग क्या स्कोर हो रहा है? सर 480 समथिंग। बहुत बढ़िया। 12th के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन बच्चों के 550 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 525 से ऊपर आ रहे हैं, 500 से ऊपर तो खूब है। लेकिन एक 60% का बच्चा अगर 89% लेके आ गया और 480 प्लस नंबर ये बच्चा अगर CUT में लेके आ रहा है, JET का एग्जाम होना अभी बाकी है। आप सोच सकते हो कि अगर सोच हो और डेडिकेशन हो तो इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। उसका एग्जाम्पल आपका महेंद्र है। अच्छा, आप मैम को दो, मुझे मैम से बात करते हैं। मैम, आप अपने लाडले को पहली बार घर से यहाँ छोड़ के गए, तो आप खुद आए थे साथ में छोड़ने? मैं आई थी ना साथ में। अच्छा, खुद आ पाए थे। अच्छा, जब आप साथ में आए तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ बताई होगी कि बच्चे का यहाँ ऐसा रहना होगा, ऐसा खाना होगा, ऐसा हमारा मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें जो शुरुआत में एडमिशन टाइम सभी लोग बताते होंगे। तो वो जो बताया था 2 साल हमने जो आपका बच्चा हमारे पास रहा, तो कहाँ आपको कमी लगी या फिर सब कुछ बढ़िया था? अच्छा, कोई कमी नहीं थी? कोई कमी नहीं लगी। अच्छा, जैसे अच्छा खाने पीने से रिगार्डिंग कभी बच्चे ने कोई कंप्लेन की? पढ़ाई के ये कोई शिकायत नहीं रही। कि कोई नहीं रही, कोई शिकायत? अच्छा, बच्चे की कभी हरी बीमारी हो गई हो तो हमारा मैनेजमेंट कैसा उसको लेके? जैसे कभी बच्चा बीमार हो गया तो कभी आपको समस्या आई किसी तरह? नहीं। अच्छा, बहुत कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। अच्छा, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चा एक ही है और वो ही सोचते हैं कि मेरे बच्चे को दूर तो भेज दो लेकिन उसको वहाँ संभालेगा कौन, क्योंकि बच्चे एक ही है आजकल, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहोगे? नहीं, संभालने वाला तो यहाँ है ना आप। अच्छा, नहीं कई बार आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से रॉयल में करा दिया, इसका मतलब एक तरह से माँ बाप की भूमिका इंस्टीट्यूट निभा देता है? नहीं, वो तो क्या है, हमारे भी तो एक ही बच्चा है। अच्छा, तो हिम्मत करके यहाँ छोड़ के चली गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत दुख हुआ पर लेकिन बाद में खुश हो गई मैं तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, रिजल्ट आया तब आप खुश हुए? तो आपको उम्मीद थी कि 60% से 89% तक आ सकते हैं? हाँ। या फिर आप यूं मान के चल रहे थे 70 के आसपास बनेंगे यूं? नहीं, ये तो मेरा पूरा विश्वास था बच्चा ऐसा अच्छा करेगा, पढ़ रहा है, तो अच्छे नंबर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे बच्चा यहाँ कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू ये मेहनत करता था, तो ये मोबाइल फोन से दूर ही रहा होगा लगभग? हाँ। या इसके पास में हमेशा फोन रहता था? नहीं। अच्छा, बिना फोन के रहता था तो क्या आपका कम्युनिकेशन घर पे हो जाता था, बातचीत प्रॉपर? नहीं, वार्डन सर से बात कर रहे थे। अच्छा, वार्डन सर से बात कर रहे थे। अच्छा, यूं भी मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल लंबा टाइम होता है सर, तो यहाँ का कैसे स्टाफ का, बच्चों का, हॉस्टल वार्डन का कैसा बिहेव रहा, व्यवहार कैसा रहा उनका? व्यवहार अच्छा था। अच्छा था, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब किसी भी तरीके से फुल सेटिस्फाइड है। मैं बाकी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये संस्थान ऐसा है जो संस्कार के साथ शिक्षा देता है। जैसे अखबारों में आप पढ़ते हो कई बार बच्चे पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ। तो कोटा में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शहर है। हाँ, जहाँ पे कुछ न कुछ उल्टी सुल्टी खबर आती रहती है। तो आपको ऐसे रॉयल इंस्टीट्यूट हुआ कि बच्चा डिप्रेशन में है या फिर हमारी तरफ से ऐसे पूरा सिस्टम लेके चलते हो? यहाँ से, ये तो सही बात है। हाँ। क्या है का, या तो हमको भी विश्वास है का, या तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, देखभाल भी अच्छी हो रही है। लगातार बच्चों के सेमिनार रखते हैं जिसमें बाहर से कोई गाइड आते हैं सर, तो गाइड करते हैं, तो ऐसा बच्चे ने बताया आपको कि यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं? कंटिन्यू बताता थे? बताता। बहुत बढ़िया। आप बताइए सर, आप इंस्टीट्यूट के बारे में आप 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा क्या कुछ रहा, आपको कैसा लगा सर? सर, 2 साल का एक्सपीरियंस रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ बहुत अच्छा रहा जी। मैं 2 साल पहले जुलाई में यहाँ बच्चे को छोड़ के गया था जी सर, और आज 2 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा 2 साल हुए, 2 महीने हुए वास्तव मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट बिल्कुल बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं।
आपका पूरा स्टाफ जब भी कभी फोन आया होगा जी, या हर एक बार जानकारी भी लेते रहते हैं, पढ़ाई के विषय में भी पूछते हैं जी, क्या आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप पूछते हो नहीं पूछते हो। अच्छा, हमारे यहाँ टेस्ट वगैरह होता है तो मैसेज आता था आपके? बिल्कुल मैसेज आता है सर, इसकी रैंक भी मेरे फोन पर आती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल रैंक आ जाती है महेंद्र इस बार तेरी ये रैंक आई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुझे विश्वास था कि चलो शुरू शुरू में रैंक काफी पीछे थी, फर्स्ट बार इसकी रैंक 46 आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा चलो ये तो काफी पीछे, लेकिन धीरे धीरे इसकी रैंक टॉप 10 में आने लग गई, तो मुझे विश्वास हुआ कि काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट। नहीं, हमारा ये बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा है और दोनों साल ही बहुत अच्छे से रहा, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा दें, मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ इन सब का मान सम्मान करते हुए बच्चा आगे बढ़े तो शायद ज्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया महेंद्र, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जिन बच्चों के 10th क्लास में कम परसेंटेज है, जिनका सपना है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का, तो आपका जो शेड्यूल है थोड़ा सा आप बताएं कि 10th के बाद में कैसे आप आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग से दूर रखे अपने आप को, जो है आपने तैयार किया? सर जैसे मेन तो पढ़ाई से मतलब डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज मोबाइल ही है, क्योंकि मोबाइल दूर है तो आराम से पढ़ाई हो जाती है, कोई नहीं। और मेन एक वो पढ़ाई का माहौल मिलना जरूरी है जी, जी, जी। जो रॉयल इंस्टीट्यूट में तो प्रॉपर मिल जाता है, क्योंकि जो लड़का हॉस्टल में रहता है उसके मोबाइल वार्डन सर के पास जमा रहते हैं, तो आराम से मतलब हो जाती है स्टडी, प्लस लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके जो टेस्ट होते थे अपने पूरे साल टेस्ट वगैरह हुए, तो आपने आदिवार, क्योंकि मंगलवाड़ यहाँ से पास में है, लगभग 60 किलोमीटर है, तो आप लोग टेस्ट वाले दिन यूँ सोचते कि चलो सैटरडे गांव जाके आ जाते हैं, यूँ सोचते थे, या फिर आप बहुत कम एबसेंट रहे? प्रेजेंट एबसेंट को लेके उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट उनको? सर प्रेजेंट एबसेंट तो जैसे टेस्ट के टाइम में तो मैं नहीं रहता था एबसेंट, लगभग तो मैंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए, एक दो साल में जहाँ तक मेरे को याद है ऑब्जेक्टिव तो मैंने एक दो पेपर शायद छूट गए होंगे, बाकी तो सारे पेपर अटेम्प्ट करे। बहुत बढ़िया, पूरी 2 साल के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी से ही बच्चा है, लेकिन कभी भी ये बच्चा अननेसेसरी न तो गाँव गया और न पेरेंट्स ने बुलाया। मैं पेरेंट्स का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, कई बार हमें फ़ोन करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, अरे कि सर मासी के प्रोग्राम है आप भेजो सर, ये अकेला ही है हमारे तो, और मासी नाराज़ हो रही है। आप लोगों ने ऐसे कभी प्रोग्राम में बच्चे को बुलाया? सर मैंने अनावश्यक कभी बच्चे को नहीं बुलाया। अच्छा जी, अनावश्यक कभी नहीं बुलाया। हाँ, मैंने कहा अभी 2 साल है, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा, बीच बीच में बुलाएंगे तो पढ़ाई उसकी सफर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टर्बेंस होता है, विशेष तौर पे 11th और 12th में बच्चे को कम से कम घर पे बुलाना चाहिए, यदि काम नहीं है तो पेरेंट्स को ही जो है अपने प्रोग्राम अटेंड कर लेना चाहिए। 2 साल बाद में एक बार बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, उसके बाद में उसको माहौल, संगत, लोग इस लेवल के मिलते हैं कि उसको वापस पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई कलेक्टर बन गया तो उसकी पूरी लोबी, उसका सर्किल कलेक्टर लेवल का है। आप मान लो पटवारी हैं, आप पटवारी लेवल के अगर हो तो आपके कम से कम पटवारी लेवल तक की तो टीम तैयार है। अगर आप मान लो मजदूर हो तो आपकी दोस्त भी उस लेवल तक ही होगी। तो एक बार आप 11th 12th में पढ़ के अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए तो आपके पापा क्या करते हैं, छोड़ो आप उस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जिनके सपने बड़े होते हैं उनके साथ में अगर आप चले गए तो आपको वो यूनिवर्सिटी जो है अच्छी से अच्छी जगह ले जाएगी। तो सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो 10th में अगर कम परसेंटेज आ गए तो निराश नहीं होना, 12th में भी अगर किसी बच्चे के कहीं पर भी पढ़ाओ कम आ गए तो निराश नहीं होना। अगला टारगेट आपको सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी जी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत करनी है। हम हमारी तरफ से, पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि बच्चा हमारे पास जितने टाइम रहे उस टाइम एक एक मिनट का बच्चे का पेरेंट्स को हिसाब दे, एक एक मिनट की बच्चे को कीमत समझाए, और उस कीमत का ही नतीजा है कि लगभग 70 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं 2024 का जो रिजल्ट आया उसके अंदर जिनकी परफॉर्मेंस 60%, 65%, 48%, 39%, 30 जो है 7% के जो बच्चे हैं वो आपके 80 क्रॉस वाली लाइन में गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 95 से ऊपर कितने वो छोड़ो, लेकिन इन बच्चों ने जो अपने आप को कहते हैं कि जो गिर के वापस उठ के वापस रेस में शामिल होकर जो जीतता है वो शायद असली हीरो है, असली विनर है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उनमें से एक हमारा महेंद्र है। हालांकि इसके सीयूटी के अंदर 480 प्लस नंबर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके जेईटी का एग्जाम और सीयूटी के रिजल्ट, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग इनकी होगी जब यूनिवर्सिटीज मिलेगी, तो पुनः मैं एक बार
इनके पूरे परिवार सहित वापस मैं मान सम्मान के लिए बुलाऊंगा, और आपने हम पे 2 साल विश्वास किया और आज आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आगे पूरी कोशिश करूंगा कि इस बच्चे को जब भी संस्थान की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा खड़े रहेंगे और बच्चे को आगे से आगे लाइफ में सफल हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी सर, थैंक यू सर, आपका और रॉयल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर।